आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एनटीपीसी हो या ग्रुप डी या फिर एनटीपीएस एग्जाम के लिए हम लोग देखेंगे मैथ टेस्ट सीरीज की ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए लगाते हैं टेस्ट मैथ टेस्ट सीरीज का। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है कहता है कि दो व्यक्ति ए तथा बी सुबह के 9 बजे एक दूसरे से 260 किलोमीटर की दूरी पर है। ए 9 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बी की ओर और कहता है कि बी 11 बजे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ए की ओर चलना शुरू करता है। वे किस समय एक दूसरे से मिलेंगे? अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। मान लिया जाए कि ये जो है ना कोई डिस्टेंस दिया गया है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। दूरी जो है 260 किलोमीटर की दी गई है ए और बी, यानी ए चलता है बी की और बी चलता है ए की ओर, यानी विपरीत दिशा में आ रहे हैं। ए ना 9 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना शुरू करता है और बी ना 11 बजे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलना शुरू करता है। तो बताना है कि किस टाइम वो एक दूसरे से मिलेंगे, यानी कि समय क्या होगा जब दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, यानी कहीं पे भी मिल सकते हैं, यहाँ यहाँ कहीं पे भी मिल सकते हैं। तो आपको बताना है कितने टाइम में मिलेंगे। सबसे पहली बात, ए 9 बजे ही चलना शुरू किया है जबकि बी 11 बजे, यानी 2 घंटे के बाद भी चलना शुरू किया है। तो सबसे पहले निकाल लेंगे हम कि ए द्वारा 2 घंटे में, क्योंकि 11 बजे तक में कुछ तो डिस्टेंस तय किया होगा इसने, 2 घंटे में तय की गई दूरी, दूरी बराबर क्या, चाल गुने समय। चाल है इसका 25 और समय कितने का, 2 घंटे का, 9 से 11 के बीच 2 घंटे, यानी कि 50 किलोमीटर ये दूरी तय कर चुका है। अब शेष दूरी 260 में 50 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका तो बच कितना गया, 210 किलोमीटर की दूरी बच गया है। अब इसी दूरी में कॉम्प्रोमाइज लिया जाए कि वह ना 11 बज के यहाँ पे आ गया होगा 11 बजे, ओके, यहाँ 50 किलोमीटर की दूरी तय कर लिया तो बाकी का जो इधर बच गया 210 किलोमीटर की दूरी बच गया। अब इसी दूरी में वे दोनों कहीं पे मिलेंगे, तो समय निकालना है कि मिलेंगे कब। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, दूरी 210 किलोमीटर और चाल क्या होगा, विपरीत दिशा में जब वो चलेंगे, चूंकि टाइम अब क्या हो गया, एक ही टाइम हो गया, तो चाल जब विपरीत दिशा में होता है तो क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो 25 और प्लस कितना हो जाएगा, 10, दोनों को जोड़ देंगे, 25 और 10 कितना हो जाएगा, 35। 35 से इसे हम जब कट करेंगे तो ये कितने टाइम में कट हो जाएगा, 6 बार में, यानी कि 6 घंटे में वे दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम बताना है कि कितने बजे, तो 11 बजे से ना हम लोग दोनों को मतलब इक्वल करके चले थे, दोनों के चाल को ऐड करके, तो 11 बजे के बाद हम लोग जोड़ेंगे 11 बजे, उसमें आपको 6 घंटा जोड़ देना है। तो जब 11 से 6 घंटा आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बज जाएगा, 5 बजे शाम में वो दोनों आपस में मिलेंगे। 11 हो गया ना, 12, 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से आप जोड़ लीजिए। तो कितने बजे मिलेंगे वे दोनों, 5 बजे मिलेंगे, कब, तो इवनिंग, सारा ऐसे इवनिंग में ही ऑप्शन आपका दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। इसमें एक चीज और, इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये तो पूछा कितने बजे मिलेंगे, इसमें दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो ये पूछा गया, दूसरा ये पूछा जाएगा कि ए से कितनी दूरी पर दोनों मिलेंगे या बी से कितनी दूरी पर दोनों मिलेंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, जब हमने निकाल लिया कि 6 घंटा, ओके, तो 6 घंटा लगा, तो 6 घंटा इसे भी यहाँ आने में लगा, मान लिया जाए यहाँ पे मिला, और 11 से लेकर यहाँ पे 6 घंटा इसे आने में लगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक तो इजी वे में ऐसे बना लीजिए, यहां तक तो 2 घंटे में 50 किलोमीटर चला अगर पूछता ए से कितनी दूरी पर, और बाकी इसे यहां तक आने में 6 घंटे का समय लगा, तो 6 घंटे में कितने डिस्टेंस को तय किया होगा, तो दूरी बराबर चाल गुने समय, यानी कि कितना हो जाएगा, 150, और 50 किलोमीटर ऑलरेडी वो तय कर चुका था 2 घंटे में, यानी कि कितना हो जाएगा, टोटल 200 किलोमीटर, यानी ए से अगर पूछे कितनी दूरी पर तो 200 किलोमीटर की दूरी पर वह मिलेगा। अगर पूछे बी से तब, तो बी की ओर से निकाल लीजिए 6 घंटे में कितना दूरी तय करेगा,
तो 10 की रफ्तार से 6 घंटे में यानी कि 60 किलोमीटर, यानी B से कितनी दूरी पर, तो 60 किलोमीटर की दूरी पर वो मिलेंगे। तो ये दो तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि अगर ए और बी एक साथ मिलकर 7.5 यानी कि 7.5 दिनों में कोई काम करता है और यदि ए अकेला काम करते हुए उसे 10 दिनों में पूरा कर सकता है तो बी को अकेले वह काम करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी 7.5 डेज में करता है जिसमें कि ए करता है 10 दिनों में, तो बी अकेला कितने दिनों में करेगा, तो माइनस कर देंगे। तो कैसे, 10 × 7.5 / 10 − 7.5 इस तरीके से निकाल लेंगे। 10 × 7.5 करेंगे, इसे जब माइनस कीजिएगा ना तो 2.5 आ जाएगा, ये कट कर दीजिए 3 टाइम में, कितना हो जाएगा 30, यानी कि 30 दिन में बी अकेला इस काम को पूरा कर देगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि खरीदारी की सूची में 4 वस्तुएं की औसत लागत ₹1250, अगर एक और वस्तु उस सूची में जोड़ दिया जाए जिसका की मूल्य ₹2000 है, तब बताना है कि अब उसकी नई औसत क्या है। सिंपल है, सबसे पहले ना 4 वस्तुओं का औसत लागत दिया गया तो उसका कुल लागत निकालिए। तो कैसे करेंगे, औसत गुने वस्तुओं की संख्या, तो 1250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ₹5000 आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। एक और वस्तु को जोड़ा गया जिसका दाम कितना है ₹2000, तो टोटल कितने हो गए ₹7000। अब इसका औसत मूल्य निकालना है तो औसत मूल्य कितना हो जाएगा, टोटल मूल्य बटे वस्तु की संख्या, तो 4 वस्तु पहले एक बाद में जोड़ी गई यानी कि 5, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, ₹1400, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई ना 10 सेंटीमीटर दी गई है। तो आपको ना क्षेत्रफल निकालना है, सबसे पहले आयत की परिमिति यानी कि पेरीमीटर क्या होता है, तो 2 × L + B ये दिया गया है 48, जिसमें कि 2 से अगर इसे कट करें तो कितने 24 टाइम में कट जाएगा। L का मान नहीं मालूम, B का मान 10 मालूम है, यहाँ पे L इक्वल टू ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना निकल जाएगा 14। अब आपको निकालना है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई 14 और चौड़ाई कितनी है 10, यानी कि 140 सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकल जाएगा क्या इसका क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु को ₹524 में बेचने पर जो लाभ होता है वह वही वस्तु को ₹452 में बेचने पर होने वाले हानि के समान है, तो बताना है आपको कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए क्या किया, पहला कंडीशन क्या है, जब ₹524 में बेचता है ना तो उसको लाभ होता है, और उसी को जब ₹452 में बेचता है तो उसे हानि होती है, लेकिन जितना लाभ हुआ और इतने रुपए में बेचने से जितनी हानि हुई दोनों का अमाउंट बिल्कुल इक्वल है। कि मान लिया जाए कि अगर ₹25 का लाभ हुआ ना तो इतना में बेचने पे ₹25 की हानि हो रही है उसे, तो आपको सीपी निकालना है क्रय मूल्य। तो मान लीजिए कि क्रय मूल्य ना उसका ₹X दिया गया है। अब लाभ और हानि दोनों क्या है, इक्वल है, तो लाभ बराबर क्या होता है, ये हो जाएगा SP − CP, जबकि हानि बराबर क्या होता है, CP − SP। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, x को इस साइड करेंगे तो प्लस में 2x हो जाएगा, इसे इस साइड करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और कितना हो जाएगा 976। अब इसको कट कर देते हैं 2 से कम्प्लीटली, ये कट जाएगा 488 टाइम में, यानी कि सीपी पूछा गया था और सीपी कितना निकल गया, ₹488, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि sec θ = 5/3 है तो cosec थीटा का मान क्या है। बिल्कुल सिंपल, सबसे पहले sec θ = होता क्या है, तो ये होता है h/b, ओके, हाइपोटेनियस बाय बेस, और इसी का मान 5/3 दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए जब एक फिगर हम बनाते हैं तो बेस और एच आपको मालूम है, ये 5 और ये 3, तो पी बराबर निकाल लीजिए सबसे पहले, तो पी का मान कैसे निकलेगा, √H² और −B² यानी कि 5² − 3² कितना हो जाएगा, ये 25 − 9 यानी √16 और मान कितना निकल जाएगा इसका 4, पी का मान। अब cosec थीटा का मान पूछा गया था, cosec थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है h/p, यानी कि h का मान 5 और p का मान हमने कितना निकाला
4, तो 5/4 हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऐसा ऑप्शन में दिया नहीं गया है। तो हम क्या करेंगे, इसे पॉइंट में कर लेंगे। जब हम इसे पॉइंट में चेंज करेंगे तो 1.25 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि sec 30 प्लस 1060 का मान क्या है। तो ये भी सिंपल है, आपको ना इसके लिए साइन कॉस, टेन कॉसेक, सेक कॉट, अगर इसका मान याद है तो आप इजीली निकाल सकते हो। sec 30 का जो मान होता है वो होता है 2/√3 और 1060 का मान होता है √3। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, हम इसे सॉल्व कर लेंगे। एलसीएम लेंगे तो √3, तो 2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, यानी कि 5/√3 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड और त्रिभुज पी क्यू आर, इन दो समान त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 100 वर्ग सेंटीमीटर और 225 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि पी क्यू 4 सेंटीमीटर है तो एक्स वाई की लंबाई सेंटीमीटर में बताएं। चलिए दो त्रिभुज हम लोग बनाते हैं और दोनों ही क्या है, समान है। ये एक्स वाई और जेड, ये है पी क्यू और आर, जिसमें कि इसका जो दिया गया क्षेत्रफल 100 और इसका 25 दिया गया है। एक्स वाई का मान आपको निकालना है, जबकि इसके समरूप जो पी क्यू है इसकी भुजा दी गई है 4 सेंटीमीटर। तो आप याद रखिए, देखिए त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल इक्वल टू एक्स वाई बटे पी क्यू, दोनों का क्या होगा स्क्वायर कर सकते हैं या दोनों का होल स्क्वायर आप कर सकते हैं क्षेत्रफल के लिए। अब यहाँ पे देखिए कि एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल कितना है 100 और पी क्यू आर का कितना है 25। अब एक्स वाई का तो मान मालूम नहीं है, तो इसको स्क्वायर ना करके आप एक काम करें, एक्स वाई बटे पी क्यू कर दें, दोनों का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर इधर आके क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो 10/5 इसका रूट कितना 10 निकलेगा और इसका 5 निकलेगा। एक्स वाई का मान निकालना है, जबकि पी क्यू का मान कितना दिया गया है 4, 5 से कट कर दे इसे 2 टाइम में, क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई का मान कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाने वाली एक टैक्सी को एक निश्चित दूरी की यात्रा तय करने में 25 मिनट का समय लगता है, तो 20 मिनट में उसी दूरी को, मतलब कि उसी दूरी की यात्रा को करने में इसे अपनी गति में कितनी वृद्धि करनी होगी। तो सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए कि अगर 40 की रफ्तार से चलता है तो उसे 25 मिनट का समय लगता है, और 25 मिनट अगर 20 मिनट में उसी डिस्टेंस को तय करना हो तो उसका चाल कितना होना चाहिए, तो पता चल जाएगा कि गति में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। दोनों ही कंडीशन में क्या है, दूरी समान है, दूरी समान है ना, तो इसी का फॉर्मूला लगाएंगे। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। चाल है 40, टाइम लगा कितना 25। अब चाल तो पता नहीं तो x मान लेते हैं और समय कितना 20। ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये मिनट में, और ये भी किलोमीटर प्रति घंटा, ये मिनट में, तो दोनों को हम क्या करेंगे घंटा में चेंज कर देंगे, जिससे कि कोई फायदा नहीं होगा ये, इसलिए क्योंकि दोनों 60-60 कैंसिल हो जाएगा। 20 से कट कर दें 2 टाइम में तो x का मान कितना आ जाएगा 50, यानी कि 20 मिनट में तय करने के लिए उसकी गति कितनी होनी चाहिए 50, जबकि ये नहीं पूछा, पूछा कि गति में कितने की वृद्धि करनी चाहिए। तो पहले था 40 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड, अब हो गया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड, तो कितने की वृद्धि हो गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो गई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि यदि त्रिभुज का एक कोण अन्य दो समान कोण के योग के आधे के बराबर है तो वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज होगा। सबसे पहले सपोज कीजिए कि यह एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, ओके, कोई भी एक कोण ले लीजिए। मान लिया जाए इस कोण की बात करें, इसको हम एक्स वन डिग्री मान लेते हैं, इसको मान लीजिए ना आप एक्स टू, और इसको मान लीजिए आप एक्स थ्री। तो कहता है कि एक कोण जो है, यानी ये कोण अन्य दो समान कोण, यानी ये दोनों कोण ना इक्वल है, इन दोनों के योग के आधे के बराबर है ये, यानी एक्स वन बराबर हम कह सकते हैं एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाय टू, ये है x1 का मान। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। तो चलिए हम इसे करते हैं, x1 का मान कितना है x2 प्लस x3 बाय 2, उसके बाद कोण a का मान कितना है x2,
और कोण सी का मान एक्स थ्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। अब एलसीएम आप लेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे तो एक्स टू प्लस एक्स थ्री हो जाएगा, फिर से 2x2 + 2x3 हो जाएगा इक्वल टू 180। अब हम सबको जोड़ देते हैं, यहाँ एक्स टू एक है और यहाँ पे 2, यानी कि 3x2 हम कह सकते हैं प्लस यहाँ पे 3x3 हो जाएगा इक्वल टू 180 × 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 को अगर आप कॉमन लेंगे तो x2 और प्लस x3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई करने के बाद, और इसे जब हम कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, यानी x2 प्लस x3 का मान ना 120 आ गया। तो यहाँ पे देखिए x1 का मान आप मालूम कर लीजिए, x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी कहा गया कि ये ना x2 और x3 दोनों समान कोण हैं, और दोनों का मान अगर 120 आया है तो 120 और बाय 2 करेंगे जबकि समान कोण है यानी कि हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, यानी कि ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये भी क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री होगा। नहीं तो आप x1 में मान भी पुट करके देख सकते हैं, क्या है इन दोनों के योग का आधा, तो इन दोनों का योग कितना 120 और इसका आधा करिए तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री ही आएगा। और तीनों कोण 60 डिग्री कौन से त्रिभुज का होता है, वो होता है समबाहु त्रिभुज का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर।